एग्जाम एड चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारत के सभी राज्यों के त्योहार और उत्सवों पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला राज्य है केरल। केरल में ओणम त्योहार फसल कटाई के उत्सव पर मनाया जाता है या फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है। यह त्योहार यहाँ 10 दिन तक चलता है। इस त्योहार का पहला दिन अत्थम और 10वां दिन थिरुवोणम कहा जाता है। ओणम त्योहार भगवान वामन और राजा बलि के स्वागत में या इनको समर्पित होकर मनाया जाने वाला त्योहार है। ओणम त्योहार केरल के मलयाली लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार पर यहाँ रस्साकसी, नाव रेस, मार्शल आर्ट जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विशु नववर्ष या विशु त्योहार जो है अप्रैल में केरल में मनाया जाता है और विशु यहाँ का नववर्ष है। इसके अलावा केरल में त्रिशूर पूरम, वल्लम काली बोट रेस, थैयम, अरट्टू और अट्टुकाल पोंगाला त्योहार मनाए जाते हैं। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर राज्य में आओ सांग डोल जात्रा त्योहार 5 दिन के लिए मनाया जाता है। यहाँ डोल जात्रा पर यहाँ के लड़के एवं लड़कियाँ थबल चोंगवा नृत्य करते हैं। इस नृत्य में घेरा बनाकर युवक और युवतियाँ साथ में हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इसमें चित्र में दिखाया भी गया है इस नृत्य को, थबल चोंगबा, जो कि यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। मणिपुर में लाई हरोबा, चुम्फा और कांग रथ यात्रा त्योहार भी मनाए जाते हैं। मेघालय राज्य में अप्रैल माह में नोंग क्रेम त्योहार यहाँ की खासी जनजाति के द्वारा 5 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है। इसके अलावा मेघालय में वांगला, बैदीन खलम, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाए जाते हैं। नेक्स्ट राज्य है मिजोरम। मिजोरम का चापचरकुट त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध है। यह यहाँ के लोगों में ये सबसे लोकप्रिय त्योहार है और ये मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार भी है। चापचरकुट को मिजोरम में फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। मीमकुट, थाल फावांग कुट भी मिजोरम में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट त्योहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल नागालैंड का बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और यहाँ के लोगों में बहुत लोकप्रिय भी है ये। नागालैंड की नागा जनजाति के द्वारा हॉर्नबिल त्योहार 1 से 10 दिसंबर यानी कि 10 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है। हॉर्नबिल को आप अच्छे से याद रखें, इसकी डेट और मंथ आपको दोनों याद रखना है और 10 दिन तक होता है। वीडियो का कंटेंट बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, पर फिर भी आपको एग्जाम के लिए इसको लास्ट तक देखना है और पूरा देखना है। अगला स्टेट है ओडिशा। ओडिशा में धनु जात्रा पर्व मनाया जाता है। धनु जात्रा के अलावा यहाँ पाना संस्कृति, राजा पारबा उत्सव, बाली यात्रा, नुआखाई और मिट्टी कला महोत्सव मनाया जाता है। नुआखाई यहाँ का कृषि से संबंधित त्यौहार है। धनु जात्रा त्यौहार में भगवान कृष्ण और कंस की पौराणिक कथाओं के बारे में बताया जाता है और इस तरह से त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। ओडिशा का एक और त्यौहार है जिसे पूरी शहर में जगन्नाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसे रथ यात्रा भी कहते हैं और ये यहाँ का त्यौहार भी है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलदेव और उनकी बहन सुभद्रा के बारे में झांकियाँ निकाली जाती हैं। नेक्स्ट राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ब्रह्मोत्सव त्यौहार अक्टूबर में 9 दिन तक मनाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील में जब फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं तब यहाँ पे फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। जब पुलिकट झील में फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं तो पर्यटन की दृष्टि से पुलिकट का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में उगादी पर्व को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। कल्याणोत्सव, येल्लम्मा जात्रा और दुर्गम्मा त्योहार भी आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। लोसर अरुणाचल प्रदेश में तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अरुणाचल में सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, मॉपिन उत्सव, सांकेन, न्योकुम और पांगसाउ उत्सव भी मनाए जाते हैं। ये न्योकुम का चित्र है। असम राज्य में रुंगाली बिहू यहाँ के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। रुंगाली बिहू क्या है? असम का नववर्ष है और ये कृषि की शुरुआत के समय मनाया जाता है। रुंगाली बिहू 7 दिन तक चलने वाला त्योहार है। इसमें बिहू नृत्य भी किया जाता है। असम में
मिडेम्मिफी, बैगाशु, बोखुगु और अंबुबाची त्यौहार मनाए जाते हैं। अंबुबाची त्यौहार कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है और ये मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला त्यौहार है छठ पूजा और साम चकेवा। छठ पूजा और साम चकेवा दोनों बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है। वैसे तो वीडियो का कंटेंट पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आप कुछ चीज़ों को विशेष रूप से याद रखें क्योंकि ये बार बार रिवाइज होती रहती है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। छठ पूजा बिहार में अक्टूबर या नवंबर के माह में एक दिन के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। गुजरात राज्य में मोढेरा नृत्य उत्सव यहाँ के मोढेरा के सूर्य मंदिर में मनाया जाता है। ये सूर्य भगवान को समर्पित नृत्य उत्सव है जिसे जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा गुजरात में माधवपुर मेला, पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल, पतंग महोत्सव, रण उत्सव और खेल महोत्सव भी मनाए जाते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है रियो कार्निवल फेस्टिवल, जो कि गोवा में मनाया जाने वाला ईसाइयों का यह कैथोलिक धर्म से संबंधित फेस्टिवल है। कार्निवल फेस्टिवल में एक परेड आयोजित की जाती है जिसमें बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं। गोवा के अन्य त्यौहार हैं सेंट फ्रांसिस जोवियर पर्व, बोर्डम उत्सव, अंगूर महोत्सव, साओ जोआओ फेस्टिवल और थ्री किंग्स फेस्टिवल। हरियाणा राज्य में पिंजौर हेरिटेज, सूरज कुंड मेला और गुग्गा नवमी मनाए जाते हैं। सूरज कुंड मेला एक हस्तशिल्प मेला है जो कि लगभग एशिया का सबसे बड़ा मेला है हस्तशिल्प के मामले में। इस सूरज कुंड के मेले में हस्तशिल्प और हथकरघा से रिलेटेड चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हालड़ा, नलवाड़ी, गोची और साजो त्यौहार मनाए जाते हैं। सरहुल पर्व या सरहुल त्यौहार मुंडा और उराव जनजाति के द्वारा झारखंड में मनाया जाता है। कर्नाटक राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है या सबसे प्रसिद्ध महोत्सव है हम्पी महोत्सव। हम्पी का नाम आप सबने सुना होगा। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक शहर है जो प्राचीन काल में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। तो ये जो हम्पी महोत्सव है इसकी शुरुआत विजयनगर साम्राज्य के समय से ही हुई थी, तो ये अब तक मनाया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में कंबाला या भेसा दौड़ कॉम्पिटिशन भी किया जाता है जिसमें किसान अपने भैंसों के साथ उनको सजाकर किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक रेस टाइप से आयोजित किया जाता है। उगादी कर्नाटक का नववर्ष है जो कि चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। केलपोथ कर्नाटक में मनाया जाता है। फल पूजा उत्सव भी कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 से 26 फरवरी के मध्य 7 दिन तक मनाया जाने वाला नृत्य महोत्सव है। ये लगभग भारत का सबसे बड़ा नृत्य महोत्सव है जिसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। अभी 2023 में 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है, इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव यहाँ के इंदौर शहर में मनाया जाता है। निमाड़ उत्सव महेश्वर में आयोजित होता है। भगोरिया उत्सव यहाँ की भील जनजाति के द्वारा होली पर मनाया जाता है। घड़लिया और मड़ई उत्सव भी मध्य प्रदेश में आयोजित होते हैं। भोज समारोह यहाँ के धार शहर में आयोजित किया जाता है। द्रुपद समारोह भोपाल के द्रुपद भवन में होता है और तानसेन समारोह संगीत नगरी ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय त्यौहार है गुड़ी पड़वा। इस गुड़ी पड़वा के दिन को नववर्ष के रूप में चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन सभी महाराष्ट्र के लोग अपने घर के बाहर गुड़ी बांधते हैं और उसे सजाते हैं। इसके अलावा यहाँ एलिफेंटा फेस्टिवल मनाया जाता है। एलिफेंटा फेस्टिवल मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप पर मनाया जाता है। महाराष्ट्र में विठोबा, आयुध पूजा,
काला घोड़ा महोत्सव, गणेश चतुर्थी, कोलागिरी और नारली पूर्णिमा का आयोजन भी किया जाता है। गणेश चतुर्थी प्राचीन काल में मनाया जाता था, उसके बाद ब्रिटिश काल में यानी कि 1893 में इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और गणेश चतुर्थी जो त्यौहार है ये भाद्र मास की गणेश चतुर्थी से 10 दिन तक यानी कि अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। लोहड़ी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। लोहड़ी पंजाब में 13 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है। इसके अलावा पंजाब में बैसाखी का त्यौहार सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। ये अप्रैल में फसल कटाई के समय मनाया जाता है। यह फसल कटने की खुशी में बैसाखी को मनाया जाता है और बैसाखी 13 या 14 अप्रैल को मनाई जाती है। पंजाब में होला मोहल्ला और गुरु पर्व भी मनाए जाते हैं। अगला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान का गणगौर उत्सव यहाँ सबसे लंबा चलने वाला यानी कि 18 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। स्त्रियाँ इस त्यौहार को मार्च में होली के बाद मनाती हैं और इस गणगौर उत्सव में नृत्य किया जाता है। गणगौर नृत्य भी किया जाता है जो कि राजस्थान का राजकीय नृत्य भी है और इसमें व्रत रखे जाते हैं और शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इसके अलावा राजस्थान में मौमासर, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, चंद्रभागा उत्सव, मत्स्य उत्सव, कोलायत उत्सव और मरु महोत्सव मनाए जाते हैं। मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में मरुस्थल में मनाया जाता है और कोलायत उत्सव यहाँ के बीकानेर शहर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु राज्य और यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है पोंगल। पोंगल तमिलनाडु में जब मनाया जाता है तब उत्तर भारत में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है यानी कि 14 जनवरी को पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल 4 दिन तक चलने वाला त्यौहार है जिसमें पहला दिन भेंगी पोंगल, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन कन्या पोंगल कहा जाता है। ये जो तीसरा दिन है पोंगल का यानी कि मट्टू पोंगल को ही जल्लीकट्टू त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस जल्लीकट्टू त्यौहार पर यहाँ सांड को दौड़ाया जाता है और उन्हें सजाया जाता है। पुथंडू तमिलनाडु का नववर्ष है जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों के नववर्ष अलग अलग हैं। लगभग ये चैत्र मास या अप्रैल में ही मनाए जाते हैं पर इनके नाम अलग अलग हैं तो आप इनके नाम विशेष रूप से याद रखें। तमिलनाडु में थाईपुसम और चित्राथी त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तेलंगाना राज्य में बोनालू, बाथुकम्मा, मेद्राम जात्रा और अलाई बलाई मनाए जाते हैं। त्रिपुरा राज्य में खर्ची पूजा, संतरा उत्सव, बिजू, होजगिरी, कैर उत्सव और गरिया उत्सव मनाए जाते हैं। अगला स्टेट है पश्चिम बंगाल और यहाँ की दुर्गा पूजा, इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में सितंबर या अक्टूबर के महीने में या नवरात्रि में 10 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। ये यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है और ये सिर्फ भारत ही नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का नववर्ष है पोइला बैसाख जो बैसाख या अप्रैल में मनाया जाता है। जगधात्री पूजा या डॉल उत्सव, नबोवर्षी, गंगा सागर उत्सव और तिस्ता चाय महोत्सव भी पश्चिम बंगाल के त्यौहार हैं। उत्तर प्रदेश में कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, कालिंजर महोत्सव मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। सोनम लोसार त्यौहार सिक्किम का नववर्ष है और ये यहाँ की होलमो और तमांग लोगों के द्वारा मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य में फूलदेई त्यौहार, हरेला, घी महोत्सव और हिल जात्रा मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हरेली, मड़ई, पोला, भोजली, छेरछेरा और मेघनाद पर्व मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मेन इम्पोर्टेंट त्यौहार है मेघनाद पर्व जो कई बार पूछा जाता है और हरेली पर्व, ये दोनों छत्तीसगढ़ के बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों के त्यौहार देखते हैं। सबसे पहले है अंडमान निकोबार। यहाँ अंडमान निकोबार में मरियम्मन, समुद्र तट महोत्सव और मानसून महोत्सव मनाया जाता है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव और गुलदाउदी उत्सव मनाए जाते हैं। दादरा नगर हवेली दमन दीव में दीवासोल
और तारपा महोत्सव मनाया जाता है। दिल्ली में ड्रोन फेस्टिवल, बसंत उत्सव और हैप्पीनेस उत्सव का आयोजन किया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल, हेमिस तसु, हेमिस गोम्पा, शकदावा और कौरजोक भी लद्दाख में मनाए जाते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी लद्दाख में ही है और हेमिस के नाम से तीन त्यौहार भी लद्दाख में मनाए जाते हैं, हेमिस फेस्टिवल, हेमिस तसु और हेमिस गोम्पा। नवरेह नववर्ष जम्मू कश्मीर का नववर्ष है जो चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल और शिकारा महोत्सव मनाए जाते हैं। शिकारा महोत्सव श्रीनगर की डल झील में आयोजित किया जाता है। श्रीनगर शहर की डल झील में शिकारा महोत्सव मनाया जाता है। शिकारा एक्चुअल में एक लकड़ी की नाव होती है। सभी लोग अपनी अपनी लकड़ी की नाव को सजाते हैं फूलों वगैरह से और फिर डल झील में एक कॉम्पिटिशन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसी को यहाँ शिकारा महोत्सव कहा जाता है। अगला है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में पोंगल और फ्रेंच फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का भी त्यौहार है और पुडुचेरी का भी। पुडुचेरी तमिलनाडु की सीमा से ही लगने वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो पोंगल इन दोनों का कॉमन फेस्टिवल है। उम्मीद है वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ये हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें।